कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4-4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत मोटिवेशन उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत दो है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में, सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है, अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता है जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला था। यह आदमी फेल है, आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद उभर कर आदमी सामने आता है। अकेले उस आदमी ने पूरे पश्चिम को हिला दिया, अकेले। कलाम की फोटो लगा लो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे, मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए, एक्टिंग इज एन आर्ट। भाई मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है, वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ।